उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अचानक बड़ा हादसा हो गया। एयर चार्टर कंपनी का एक निजी प्लेन अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में 6 लोग सवार थे जो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह भीषण हादसा तब हुआ जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था। इसी दरमियान प्लेन बिजली के तारों में उलझ गया, जिसके बाद ये रनवे पर गिर पड़ा और जमीन से टकराते हुए साइड में जाकर आग लग गई। घटना के बाद जो 6 लोग सवार थे वो तुरंत उसमें से कूदकर अलग खड़े हो गए। वहीं तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जब प्लेन लैंड हो रहा था तो बिजली के तारों में उलझ गया और जमीन पर टकराया, जिसके बाद यह दुर्घटना घटित हुई। यह प्लेन अलीगढ़ मेंटेनेंस के लिए आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त प्लेन बिजली के तारों में फंस गया और नीचे गिरकर इसमें अचानक आग लग गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। दिल्ली से आ रहा था, ये ऐसा बताया कि कुछ मेंटेनेंस इंजीनियर्स में आ रहे थे, 6 लोग थे इसमें टोटल। जब यहाँ पहुंचा तो इलेक्ट्रिकल वायर से टकरा गया लैंडिंग के वक्त और फिसलता हुआ रेलवे के साइड में गया, आग लगी तो टाइमली सभी लोग निकाल लिए गए यहाँ से, और फायर को जो कॉल मिली तुरंत फायर सर्विस आके निकल लोगों को निकाला और आग को पूरी तरह से ढाई नष्ट हो गया पूरा हाथ पूरा नष्ट। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।